नाज़रीन इकराम, अवामी टाइम्स में आपका खैर मकदम करते हैं। हम आपको बता दें कि आज वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और बॉम्बे टिम्पर मर्चेंट एसोसिएशन की ओर से आवाम की खिदमत के लिए फ्री मेडिकल कैंप मुनाकिद किया गया, जिसमें सैकड़ों मर्द ख्वातीन हजरात ने इस मेडिकल कैंप के ज़रिए से फ़ायदा हासिल किया। हमजा भाई बदान और जावेद भाई छपरा और जनाब दीपक लखानी साहब और जनाब जावेद पारक साहब, जिनकी पूरी टीम आवाम की खिदमत में लगन के साथ जुटी रही। आवामी टाइम्स रिपोर्ट। आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, यहाँ पर डॉक्टर है, हम जी टोटली फ्री है। यहाँ पर मेडिसिन भी हम लोग जो है वो पेशेंट्स को जिस तरह की बीमारी उस तरह के मेडिसिन भी हम लोग यहाँ पर फ्री उपलब्ध करवाते हैं। डॉक्टर अली खान से जो है वो डॉक्टर्स की पूरी टीम आई हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके का जो है वो हर महीने हम चाहेंगे कि यहाँ पर जो है ना वो कैंप होते जाए वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन और बॉम्बे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के साथ, ताकि जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा आवाम को इस चीज़ का फ़ायदा हो। जी, इस तरह से यहाँ मेडिकल कैंप आयोजित किया गया है द बॉम्बे टिम्बर और वर्ल्ड मेमन एसोसिएशन की जानिब ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से। जनाब दीपक साहब भी मौजूद हैं यहाँ पर, इनसे भी जानना चाहेंगे क्या कहेंगे आज कि इस फ्री मेडिकल कैंप जो आपने आवाम और आम जनता की सेवा के लिए आपने यहाँ पर आयोजित किया है। सबसे पहले मैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन को थैंक्स कहना चाहता हूँ, क्योंकि वो लोग रेगुलरली हमारे एसोसिएशन के यहाँ कैंप करते रहते हैं। हमारा एसोसिएशन इज़ वेरी वेरी हैप्पी कि हमारे साथ एसोसिएट होके वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन ऐसे सब कैंप करते हैं जो जनरल पब्लिक के लिए, और जो पब्लिक मेडिकल फैसिलिटीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए सब कुछ फ्री रखे हुए हैं। तो वी आर वेरी हैप्पी टू डू दिस, और हम लोग ये हमेशा आगे करते ही रहेंगे फ्यूचर में, चाहे मेडिकल आय का हो चाहे जनरल मेडिकल कैंप हो। वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू फैसिलिटेट ऑल मिडिल क्लास पीपल, लोअर क्लास पीपल, जिसको भी जो फ्री दे सकते हैं। ये लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन, आई एम थैंकफुल टू देम ऑन बिहाफ ऑफ बॉम्बे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन। लगन के साथ आवाम की खिदमत के लिए लगी है यहाँ पर। हमारे यहाँ पे आज जनाब हमजा भाई यहाँ मौजूद है। हमजा, 100 पीपल हैव कम और अभी आने का बहुत बाकी है, अभी नमाज का टाइम हुआ है, तो वी आर एक्सपेक्टिंग अबाउट 200 पीपल। जी, पहले तो भी कहना चाहूँगा कि बॉम्बे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन और वर्ल्ड वेमन फेडरेशन की तरफ से ये जो मुनकरित किया गया हुआ है, ये हर टाइम करते हैं। जावेद भाई की मेहरबानी है, जावेद पारेख साहब जो उन्होंने वहाँ से अपना पूरी टीम ले आते हैं, और हम बॉम्बे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट के हिसाब से हम ये हॉल उनको देते हैं, तो जो गरीब लोग हैं उनका सारा काम हो जाता है। इनसे पहले भी हम लोगों ने एक काम किए थे जिसके अंदर अराउंड 500 करीब के पेशेंट्स के चश्मे और कैटरेक्ट का ऑपरेशन वगैरह किए थे, और इस बार ये फ्री मेडिकल कैंप रखे हुए हैं। अब तक के 100 पेशेंट आ चुके हैं और कोशिश रहेगी कि 200-300 और आए, और जहाँ तक हो सके कि उन लोगों का काम हो जाए फ्री में। जी जनाब जावेद पारेख साहब, दरगाह कमेटी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज मियां यहाँ मौजूद है, इनसे भी जानना चाहेंगे कि देखिए आवाम की खिदमत में लगे हैं और आवाम आ रही है दर्जों शौक से। वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जो है खिदमत अंजाम देती है इसके अलावा। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, बहुत ही खुशी की बात है कि आज जो है हमारा ये अल्हम्दुलिल्लाह बॉम्बे टिम्बर मर्चेंट एसोसिएशन के साथ में 14 कैंप है वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का, और लास्ट टाइम भी हम लोग ने जो है वो वैक्सीनेशन के टाइम पे कोविड शील्ड कोविड वैक्सीन भी यहाँ पर रखे थे, फिर यहाँ पर कैटरेक्ट के लिए जो है फ्री चश्मे भी दिया, आई कैंप भी थी यहाँ पर, मेडिकल हेल्थ कैंप भी लगाए थे, और जिसमें जो है हम लोग फ्री टेस्ट करवाए थे। लगभग 7-8 हज़ार के टेस्ट होते थे, SRL डायग्नोस्टिक सेंटर के साथ हमारा टाइप था, तो टोटल फ्री हम लोग ने जो है वो मेडिकल हार्ट और डायबिटीज़ है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर है, लिवर है, किडनी है, ब्रेन है, वो सारे टेस्ट यहाँ पर फ्री हुए थे। और फिर उसके बाद भी वैक्सीनेशन का फिर से एक कैंप लगा था, और ये चौथा कैंप है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी आज पर जो है ना वो दवाइयाँ फ्री दे दी जा रही हैं। हमारी एक त्रिवेणी मैडम है जो प्रिंस अली खान के साथ टाइप है, तो उनका वहाँ से डॉक्टर्स भी आए हुए हैं, कंसल्टेशन फ्री है, दवाइयाँ फ्री है, हेमोग्लोबिन के टेस्ट हो रहे हैं, ब्लड प्रेशर हो रहा है, डायबिटीज़ का टेस्ट हो रहा है, तो हर चीज़ का जो है वो यहाँ पर इलाज कर रहे हैं। और जैसे कि हेल्थ इज़ वेल्थ, आदमी जो है वो हेल्थ जितना कॉन्शियस रहेगा उतना जो है वो उसके लिए बहुत अच्छा है। और हम लोग चाहते हैं कि वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन जहाँ भी कैंप्स हर महीने हर जगह पे हर हफ्ते हमारे कैंप्स लगे जा रहे हैं, गुजरात में लगे जा रहे हैं, महाराष्ट्र के इंटीरियर्स में लगे जा रहे हैं, और इस तरह का जो भी फैसिलिटी हम लोग जो है लोगों तक पहुँचाए, ना कोई कास्ट क्रीड ना रिलीजन का इसमें कोई वो है, सारे जो है वो हिंदू मुसलमान भाई सब जो है वो आते हैं यहाँ पर अपना टेस्ट फ्री करवा के जाते हैं। जी, जैसे कि आप दरगाह ख्वाजा गरीब नवाज के मेंबर भी हैं दरगाह कमेटी के,
दरगाह कमेटी अजमेर जो ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह है, ज़ायरीन की सहूलियात के लिए क्या क्या खदमात अंजाम दे रही है और क्या क्या अब तक के तरक्याती काम कर चुकी है दरगाह कमेटी अजमेर के ताल्लुक से? जी माशाल्लाह है, जो सबसे बड़ी चीज़ जो वहाँ पर अचीवमेंट हुआ है हमारे को वो है टॉयलेट्स और वॉशरूम का। गेट नंबर 10 पे के बाजू में ही करीब हम लोग ने एक जगह किए थे दरगाह दीवान साहब के साथ मिलके, जो है हमने वहाँ पर जो है वो टॉयलेट्स और वॉशरूम का किए थे ताकि जो भी गरीब मुसलमान ज़ायरीन आए उधर, कोई भी इंडिया से जहाँ से भी वहाँ पर जो है वो आएँ, अपना फ्रेश हो जाएँ, वजू टॉयलेट यूज़ करें, वजू करें। लॉकर रूम्स है, क्लोक रूम्स है, वहाँ पर रखे सामान सुबह से ज्यारत करें और शाम को फिर वही निकल जा सकते हैं फिर से। तो वो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है हमारा टॉयलेट्स को लेके, वॉशरूम्स को लेके। वहाँ पर कई सालों से ये शिकायत थी, लोग जो है बेचारे बड़े परेशान होते थे, और आपको जैसा कि पता है कि इस्लाम में पाकी की बहुत ज़रूरत है उस चीज़ की। और सेकंड जो है वो जुम्मा के रोज़ जो है वो, और बड़ी शबों के टाइम पे और बड़े दिनों बड़ी रातों को और छठी शरीफ के दिनों पे और उर्स के मौके पे वहाँ पर जो है ना औरतों को जो है वो बाहर निकाला जाता था। वजह ये थी कि जुम्मा की नमाज़ में इतनी ज़ायरीन आते थे कि वो पूरा जो 5 एकड़ की जो जगह है हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की, वो पूरी भर जाती थी नमाजियों से। तो हम लोग ने फिर जो है वो उसमें लेडीज़ कॉरिडोर बनाया, लगभग एक फेज़ पूरा हो चुका है, सेकेंड भी लगभग 90% कंप्लीट हो चुका है औरतों के लिए, माँ बहनों के लिए, ताकि जो है वो हमें पता हो गए। ये भी गेट नंबर 3 के पास है और वहाँ पर अभी वजू का भी इंतज़ाम कर लिए, वजू के लगभग 12 टैप्स लग चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरीके का जो है वो हम लोग खिदमत अंजाम दे रहे हैं, और एक दो जगह हमने सेट ऑफ किए हुए उस तरफ जहाँ पे हम लोग हॉस्पिटल इंशाल्लाह बहुत जल्द हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से शुरू कर रहे हैं। एक जगह हमारी काया विश्राम स्थल में है जहाँ पर जो है हम लोग ने मेडिकल कॉलेज का वो करें इंतखाब जल्द से जल्द करना है, उसकी वॉल बाइंडिंग की हो चुकी है और पेपर सब जा चुके हैं मिनिस्ट्री में, जितना जल्दी इंशाल्लाह वहाँ से आ जाती है हमारे को रिपोर्ट, तो वहाँ से इंशाल्लाह ये भी काम मेडिकल कॉलेज का बहुत जल्द शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। जी जैसे कि अपना ख्वाजा गरीब नवाज यूनिवर्सिटी के नाम से भी कुछ अभी ऐलान चला था, वो काम कहाँ तक पहुँचा है? नहीं, असल में वो यूनिवर्सिटी का काम इस तरह हो गया है कि वहाँ पर जो है ना एक नॉर्म्स है कि भाई 120 एकड़ जगह कम से कम चाहिए यूनिवर्सिटी के लिए, और हमारी जो जगह थी वो 80 एकड़ थी। हम चाहते थे, काफ़ी कोशिश करे कि भाई हमारी गवर्नमेंट की उधर के भाई साथ में मिलके जो है वो कुछ ना कुछ, लेकिन वहाँ पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हिसाब से ही हम लोग कर सकते हैं, उसके आगे तो बियॉन्ड हम लोग जा नहीं सकते। तो फिर हमने ये फैसला किया कि यूनिवर्सिटी अगर नहीं हो सकती है तो कम से कम मेडिकल कॉलेज कर लें। आईएएस कोचिंग क्लासेस की भी बात चल रही है इंशाल्लाह, और जल्द दो चार चीज़ें और बहुत वहाँ पर काम होने जैसे हैं, वो इंशाल्लाह जिस तरह उसके जो आगे के जो काम होते जाएंगे वो इंशाल्लाह मैं आप ज़ाहिरीन हो गया और लोगों तक मैं इंशाल्लाह बताते जाऊँगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी जो बॉडी है जो आपके खदमा अंजाम सहूलियात ज़ायरीन के लिए दे चुके हैं, और इसके अलावा जैसे टॉयलेट का हो या ऐसा मसला हो, रिहाइश का मसला हो, दरगाह कमेटी दरगाह शरीफ के हाथे के लिए, हमारे यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के नाम से एक गेस्ट हाउस भी है जो काफ़ी कम कीमत पे हम लोग जो है वो देते हैं लोगों को। करीबन 163 रूम्स है जिसमें से 60 रूम्स जो है एसी है, एयर कंडीशन है, इंग्लिश टॉयलेट्स भी है, बाकी के जो है लिफ्ट भी लगवाएंगे दो उधर ब्लॉक्स के अंदर, और बाकी जो है वो जो ज़ायरीन जिस तरह की अफोर्ड कर सकते हैं 200 के रूम्स भी है, 600 के भी है, 1500 के भी है, 2000 के भी रूम्स है। तो इस तरह का जो है वो करते हैं ताकि सबको जो है ना उसको कोई हर एक जान को कोई चाहत की तकलीफ़ नहीं हो, जितना बेहतरीन वहाँ पर इंतजाम कर सकते हैं अंजुमन इजाद खान तो सबके साथ मिलके दरगाह कमेटी सब मिलके माशाल्लाह बहुत अच्छा वहाँ पर इंतजाम कर रही है। और अभी जनवरी के अंदर जो है वो उर्स शरीफ है, मैं ज़ायरीनों को लोगों को इल्तिजा करता हूँ कि भाई आए उधर ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आए, और इंशाल्लाह पानी का भी काफ़ी वहाँ पर ठंडे पानी का हर जगह पे वहाँ पर रेफ्रिजरेशन लग चुका है, पंखों का इंतज़ाम हो चुका है, तो कोई जात का मेरे ख्याल से इंशाल्लाह मसला नहीं है।